समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश भैया जी ने आज मीडिया से बात करते हुए पेपर लीक और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर क्या कहा, देखिए वीडियो दोस्तों। चुनाव में जो फैसला होगा आने वाले 5 साल के साथ साथ हमारे देश का भविष्य कैसा होगा उसका भी फैसला लेना है। जहां दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बड़े बड़े सपने दिखा रही है, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी, उसको लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन बिना व्यापारियों का साथ लिए, बिना व्यापारियों के सहयोग के ये जो बड़ा लक्ष्य रखा गया है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। और जो फैसले सरकार ने लिए हैं वो व्यापारियों से व्यापार छीनने के फैसले लिए हैं, जो कानून बने हैं उनसे हमारे छोटे व्यापारी, छोटे कारोबारी, छोटे उद्योगपतियों का नुकसान हुआ है। नोटबंदी, जीएसटी और जिस तरीके से सरकार ने दबाव बनाया है या जो वसूली की रणनीति है सरकार, कभी अधिकारियों के माध्यम से वसूली, कभी राजनीतिक दल के नेताओं के माध्यम से वसूली, और अब तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो सूची आई है उससे तो साफ हो गया है भारतीय जनता पार्टी ने देश के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में ऐसी वसूली किसी ने नहीं की होगी जितनी वसूली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके नेताओं ने। आयोग पर तो भरोसा है लेकिन बीजेपी में भरोसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी, आप बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं को कमजोर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं को इस्तेमाल कर रही है, संस्थाओं के माध्यम से जो अन्याय हो सकता वो करा रही है। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि संस्था कमजोर ना हो, जितनी संस्थाएं मजबूत होंगी उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के बहाने संस्थाओं को कमजोर कर रही है, और जब संस्थाएं कमजोर होंगी तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। आप देखिए, समाजवादियों ने 18,000 ऐसे लोग जो डिलीट कर दिए गए थे, डिलीटेड सूची में डाल दिया था उनका वोट, एफिडेविट के साथ दिया कि हाँ वो जिंदा है, उन्होंने वोट डाला था, इलेक्शन कमीशन ने एक भी आरोप या कार्रवाई नहीं की, एक भी चुनाव में जो अधिकारी जिम्मेदार होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं की। और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनकी सूची पार्टी समय समय पर दे रही है, केवल एक अधिकारी के हटने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उस अधिकारी ने या उस सरकार के माध्यम से जो अधिकारी वर्षों से बैठे हैं, जो चुनाव में धांधली करने के लिए बैठे हैं, जिन्होंने अभी अभी जो चुनाव हुआ था मेयर का, टाउन एरिया का, नगर निकाय के चुनाव में धांधली की थी, वो लोग अभी भी जमे हुए हैं कई जगह पर, उन्हें प्रैक्टिस हो गई है कि कैसे बेईमानी करनी है, उन्हें प्रैक्टिस है कैसे दबाव बनाना है। इसीलिए मैंने कहा कि संस्था कमजोर होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा। पेपर लीक के माध्यम से जिन नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया, ऐसे 60 लाख लोग हैं नौजवान, अगर 60 लाख बच्चों का ही हम भविष्य की चिंता करें और यही इनके परिवार अगर इनके खिलाफ हो गए तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से हटने का मतलब देश से हटने का काम होगा। 60 लाख बच्चों की अगर परिवार के 2 सदस्यों को ही जोड़ लें माँ बाप को, 3 × 60 लाख 1,80,00,000, और 1,80,00,000 का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा सीटें, तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। सोचिए, अगर यही नौजवान और उनके परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। इस काम को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे, और जो चंदा के नाम पे वसूली हुई है अब तो साफ हो गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेजिए,
बाद में पैकेज ले लीजिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स घर वापस चली जाए। अब तो अखबारों ने भी लिख दिया, सूची लिख दी कि किसके यहां कब ईडी सीबीआई पहुंची, पैसा मिल गया, चंदा मिल गया और वो जांच खत्म हो गई। ऐसी वसूली शायद दुनिया में किसी लोकतंत्र देश में नहीं होगी जैसी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाई है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, ना भर्ती का जवाब है ना वसूली का जवाब है। ये जो नौकरियां खोई हैं नौजवानों ने, जो रोजगार खोए हैं नौजवानों ने, जो व्यापार खत्म हो गया, हम उससे सहमत हैं टेक्नोलॉजी से, लेकिन कारोबारियों का कारोबार छिन जाए, भविष्य क्या होगा 10 साल बाद, हमें उस बात की चिंता करनी है। हमें ऑनलाइन डिजिटल इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे छोटे कारोबारी का खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो पैसा माफ कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया आपने, लेकिन अगर हमारा छोटा व्यापारी, छोटा कारोबारी अगर 10 लाख का भी लोन लेना चाहे तो क्या फ्री इंटरेस्ट के साथ है, क्या बिना कर्ज के साथ है, क्या कोई? आप 15 लाख करोड़ तो माफ कर रहे हैं, लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए क्या सुविधा है आपके पास? और समाजवादियों का हमेशा मानना रहा है, जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा व्यापारी भी खुशहाल होगा। समाजवादी लोग उसी दिशा में काम कर करके अपने किसान को खुशहाल करेंगे और व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा दोस्तों, आदरणीय श्री अखिलेश भैया जी ने पेपर लीक, अर्थव्यवस्था सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और जितने भी इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको समाजवादी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन की भी खबरें देखने को मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय अखिलेश, जय समाजवाद दोस्तों।